नमस्ते दोस्तों। कई लोगों की आदत होती है कि जैसे ही उनके चेहरे पर कोई फोड़ा या फुंसी निकलता है, वो तुरंत उसको दबाकर निकालने की कोशिश करते हैं या फिर उसे नाखून से खुरच देते हैं। लेकिन दोस्तों, ये आदत आपकी स्किन के लिए बेहद हानिकारक है। ऐसा क्यों? नॉर्मली आपके पिंपल के अंदर डेड स्किन सेल्स, ऑयल ग्लैंड्स का सिक्रीशन और साथ में कई तरह के एनएरोबिक बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। इसके अंदर कई तरह के इंफ्लेमेटरी सेल्स भी इकट्ठे हो जाते हैं। तो जब आप अपने पिंपल को फोड़ते हैं या इसे दबाकर निकालते हैं, तो ये रप्चर होकर आपकी सराउंडिंग स्किन में फैल जाती है, जिसकी वजह से आपकी सराउंडिंग स्किन भी डैमेज हो जाती है। तो इस वजह से उस जगह पर पोस्ट इंफ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन या कुछ केसेस में स्कार या गड्ढा भी रह सकता है। ये बहुत ही खराब आदत है जो आपकी स्किन को बहुत ज्यादा डैमेज करती है। पिंपल्स को ट्रीट करना रिलेटिवली इजी होता है, लेकिन यदि आप पिंपल्स को फोड़ कर वहां पर पोस्ट इंफ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन या स्कारिंग कर लें, तो उसका ट्रीटमेंट बेहद मुश्किल होता है और कुछ केसेस में तो इसे कम्प्लीटली हटाया भी नहीं जा सकता है। तो इस आदत से बचें। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ लाभदायक जानकारी मिली होगी। धन्यवाद।